फाइनेंस कंपनी और उपभोक्ता में हुआ झगड़ा। उपभोक्ता के समर्थन में किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन। थाना सिविल लाइन के SHO ने कहा कि कर रहे हैं जांच। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत आते क्षेत्र में काम कर रही एक फाइनेंस कंपनी के सदस्यों का अपने ही एक उपभोक्ता के साथ झगड़ा हुआ। झगड़ा फाइनेंस की गई राशि की किश्तों को लेकर हुआ। उपभोक्ता ने कहा कि उन्होंने फाइनेंस कंपनी के मुलाजिमों को किश्तें दे दी हैं। इसके उपरांत भी फाइनेंस कंपनी बेवजह तंग कर रही है। उपभोक्ता का आरोप था कि किस्तें भरने के बावजूद फाइनेंस कंपनी के लोगों ने उससे मारपीट की है। थाना सिविल लाइन के SHO ने कहा कि वह मामले की जांच कर रहे हैं और बनती कार्रवाई की जाएगी। हैगी बजाज फाइनेंस आ, उत्थे साडे मुंडे आए आ, इत्थे अपना गंडी विंड पिंड तो, इन्हां ने कोई मोटरसाइकिल परचेज किया सी, ओह मोटरसाइकिल इंस्टॉलमेंट ते सी, ओह इंस्टॉलमेंट जिहड़ी आ किस्ते जमा करवाउण आए सी, पर ऑलरेडी इन्हां दे कोई बंदे सी, मंथली जिहड़ी इंस्टॉलमेंट हुंदी आ ओह कोई ओरली लिख के आ गए सी घरों, फड़ लिआए सी। अगे गाड़ी इन्हां दे जिहड़े करिंदे सी उन्हां आण के जमा नहीं कराई, ते ये उन्हां नूं मैसेज आया भी तुसीं आण के तुहाडी पेमेंट नहीं आउण रही ते तुसीं साडे कोल पहुंचो। इतने आए हैं इन्होंने यो गलबात रखी है भी ताड़ा जे बंदे आते रहे ठीक है, कुछ पेमेंट इन्हें चैक थ्रू ले ली आ, कुछ मतलब वर्पले उदा ही आन के घरों आन के फट के लै गए, इन्होंने जमा नहीं कराई, मतलब कसूर तो इन्हों का बंद का, इन्होंने साडे बंद ने RC जो इन्होंने फड़ ली आन के RC के मतलब RC दो सानू, RC मुड़ के इन्हें दी नहीं, जो RC ना कोई आ उत्थे झगड़ा हो गया वा, उत्थे साडे मतलब जो नौजवान आए थे पिंडा तो दोवें मुंडे, इन्हों काफ़ी इन्होंने धक्का मुक्की की 18-20 जाने से पे आ, तो उत्थे इन्हां दी मतलब सट भी लगी आ, कुछ हाथ दियां उंगलों की हड्डी भी टुटी आ, तो पर प्रशासन सियासी दबाव आ, मगर सियासी दबाव करके असी समझते हैं कि सरकार जिहड़ी आ पुलिस प्रशासन अपना पूरा पारदर्शी काम नहीं कर पा रहा, तो सियासी दखलदाजी इन्नी है वो जारी, मतलब फाइनेंस बंदा तुहानूं पता वा सियासी असल सलूक रखता ही आ, वो जिहड़े फाइनेंस वाले कोई सन्नी इन्हां दा हैगा वा, कोई इन्हां दा करिंदा जिहड़ा अगे काम हैगा मालक आ, वो असल सलूक वाहवा MLA नाल रखता वा, उत्थों दा जिहड़ा हल्के का विधायक होगा, उस करके दत्ती आ उत्थे दत्ती आ इन्हां दा जिहड़ा हल्के का विधायक आ, वह बस वे करके आ, पुलिस प्रशासन थोड़ा गोल मोल गल करती है भी ठीक है छोड़ो पर राजीनामा करा दें, इन्हें राजीनामा नहीं, ये गाड़ी इन्हों की जी इ हौसले वधे, कल होर भी किसी के गल पैणगे, एक लेडीज उत्थे आई साडे हुंदे आ, उहदा भी काफ़ी झगड़ा सी, वह भी कहिंदी मेरे ते पल्ले कख नहीं पाया हार कि मैं इन्हां नूं बाइक दे के इत्थे चल गई हाँ, इस करके गुंडागर्दी है जी असीं इन्हें नहीं चलनी चाहिए, पुलिस नूं अपना पारदर्शी काम करना चाहिए वा, तो जिहड़ा भी नौजवान आ जिहड़े मतलब ये दुकानदारी का असूल नहीं है, दुकानदारी का असूल नहीं है भी तुम सद के लोगों उन्होंने गल पाओ तो गुंडागर्दी करो, ये भाईचारक के हाँ जो इतने आए हैं प्रशासन आए हैं गलबात करना, इन्हों का भी फर्ज बनता ही भी अकल का हर कहरा हक हकूक दो, हर कहरी हक हक रसी करो, तो ये भी मतलब पोलीटिकल के अंडर प्रैशराइज आ, प्रैशराइज के भी कोई काम कर नहीं पा रहे, FIR असी भी जिन्ना चेर FIR दर्ज नहीं होंगी अच्छे असं उन्ना चेर तक इतने जाने नहीं भावे सू कि दिन लगन FIR दर्ज करा भावे, मगर सियासी लोग भी आ कोई भी लोग हो सू कोई मतलब नहीं, पर असी इन्हें भी पारदर्शी काम करने चाहिए, अंदर गया वा सद के 452 उन्होंने लगती आ, इन्होंने अंदर सद के कुटिया वा मारिया वा, तो कोई कैमरा भी नहीं इन्होंने अंदर हैगा सी, कहने भी कैमरा शो करो तो सब कुछ आना, तो जेड़ा इन्ना फाइनेंस का व्डा काम करते अजकल तो छोटे मोटे खोखियां कैमरे लगे आ, तो एडा मतलब इन्होंने का गलत काम करते उ मार्केटाई करते लोगों की ता नहीं कैमरे लाए, तो इन सर जो किसान यूनियन अब धरना लाया गया वो बारे की कहना चाहते हैं। 8 तरीक नूं झगड़ा होया सी नहरू शॉप कंपलैक्स फाइनांस की कंपनी बजाज फाइनांस की किस्तों में लैन देन तो लैके ना झगड़ा होया सी, जिस 23 दा रिजल्ट साडे कोल आया सी, जिस दी रिपोर्ट दर्ज की गई सी, उस तो बाद जिहड़ा वा डॉक्टर ने दूजी सट जिहड़ी डॉट पर लिखी सी फ्रेंडली हैंड लिखी सी, किसान यूनियन वाले कहिंदे वी पर्चा दर्ज करो, इस संबंधी असीं बोर्ड बिठा के दोबारा जी ओपीनियन लै रहे हैं, जो भी डॉक्टर रिपोर्ट देणगे उस मुताबिक कार्रवाई हम चलेंगे। होर सर इस अलावा कोई और नहीं उन्होंने की, कहते भी कुटमार की इन्हें बजाज ने अं किस्तं भी दिखाई तो इन्होंने सू बिल्कुल उन्होंने यो एलीगेशन है, अभी पुलिस ने सट्टा मुताबिक कार्रवाई करनी होंगी है, जो रिजल्ट ओपीनियन जो बोर्ड दूगा वे मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।